कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर आपको लगता है कि कोई देख रहा है, किसी की परछाई है जो आप तक आ रही है, लेकिन यहां जो हो रहा है ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी ताकत है जो सीधा आपके दिमाग से खेलती है, तो यकीन कीजिए उससे बड़ी और खतरनाक बात हो नहीं सकती। कहानी आपको थोड़ी सुनी सुनाई सी लग सकती है, पर बात तो यह भी है ना, एक हादसा जो अगर किसी के साथ हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो आपके साथ ना हो। इस कहानी को कहानी की तरह सुनिए, यकीन करना है नहीं करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूं। मसूरी, पहाड़ों पर बसा एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। आपके दिमाग में भी आती होंगी कुछ ऐसी चीजें जैसे खूबसूरत झरने, नदियां, पहाड़, एक बहुत सुंदर जगह। लेकिन हर खूबसूरत जगह पर कोई ना कोई दाग जरूर होता है। मसूरी से हाथी पांव जाने के रास्ते में एक जगह है जिसके बारे में बात करेंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है किसी जमाने में यहां एक स्कूल हुआ करता था, एक स्कूल जहां बच्चे पढ़ने आते थे, उन्हें तालीम दी जाती थी जिंदगी को अच्छा करने की, बेहतर करने की। समय समय के साथ वहां इस स्कूल में बहुत सारे बदलाव होते रहे, लेकिन ये स्कूल आज मैं जब इसकी बात कर रहा हूं तो ये एक उजड़ चुकी बिल्डिंग से ज्यादा और कुछ नहीं है। इस स्कूल की बिल्डिंग 3 मंजिला है। वहां उजड़े हुए क्लासरूम्स हैं, टूटे हुए दरवाजे हैं, और कुछ बल्कि मैं तो कहूंगा बहुत सारी नेगेटिविटी। कभी कभी ऐसा लगता है कि डर जो है वो हमेशा हमारे दिमाग की उपज होता है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार डर सच में हमारे आसपास होता है। और यही फर्क समझने की जरूरत है कि कौन सा डर हमारे दिमाग में है और कौन सा डर सच में है। कहानी शेयर की है कार्तिक ने। ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे ये लोग मसूरी की खूबसूरत वादियों को देखने, और ये कहानी अब उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त उसी स्कूल के बाहर खड़ा हूं। यहां बहुत ज्यादा सन्नाटा पसरा पड़ा है। यहां के मौसम में ना तो हवा है ना कोई आवाज, और इस जगह के आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस एक सड़क है जो पास से गुजर रही है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। जब आप इस सड़क से होकर जा रहे हो तो ये जगह आपके दिमाग के साथ खेलती है, ये बुलाती है आपको इस स्कूल के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिन में भी मैंने इस जगह को देखा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि दिन में ये जगह कैसी है। दिन में मैंने देखा कि यहां पर कुछ शराब की बोतलें पड़ी हैं, कुछ ताश के पत्ते पड़े हैं। यहां से थोड़ी दूर एक छोटी सी दुकान है जिसे एक बुजुर्ग दंपति चलाते हैं। जब मैं उनसे मिला और उनसे बात की, तब मुझे पता चला किसी जमाने में ये एक स्कूल था, लेकिन अब यहां भूत प्रेत रहते हैं। मैंने वहां चाय पी और वापस मसूरी गया। वहां जाके कुछ लोगों से बातचीत की और पता करने की कोशिश की इस जगह के बारे में। वहां पे भी कुछ लोगों ने बताया कि किसी जमाने में ये एक अच्छा खासा स्कूल हुआ करता था। अगर कुछ खबरों की माने तो जब 1917 में लंबी देहार माइंस का काम चल रहा था पूरे मसूरी के इलाके में, तो उस जमाने में कुछ अंग्रेजों की कॉलोनियां यहां पे बसाई गई थी, और जब ये सब हो रहा था तब यहां पढ़ाई पर जोर दिया जाने लगा। आसपास के लोगों ने भी उस वक्त की सरकार से गुजारिश की कि उनके इलाके में भी एक स्कूल बनाया जाए। उनकी गुजारिश को मानते हुए मसूरी से हाथी पांव जाने वाले रास्ते के बीच एक स्कूल बनवाया गया, ताकि आसपास के सारे गांव वाले बच्चों के लिए दूरी जो है बराबर की हो। तभी इसे बीच रास्ते में बनवाया गया था, हाथी पांव से मसूरी के बीच में। स्कूल को बनाने की जिम्मेदारी जो दी गई सेंट पॉल जोसेफ को, उनके बारे में यह कहा जाता था कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे
जो कि ना सिर्फ काफी मजबूत थे बल्कि अपने आदर्शों पर चलने वाले थे। उनकी देखरेख में ये स्कूल 1924 में शुरू कर दिया गया था। करीब 10-12 साल ये स्कूल बहुत अच्छे से चला। यहाँ से बच्चे पास आउट हुए और तभी आसपास में उन्हें काम मिलना भी शुरू हो गया। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ गड़बड़ शुरू हुई। वो हुई 1934 से। उस वक्त एक टीचर की एंट्री होती है जिन्हें इस स्कूल के लिए नियुक्त किया गया था। उनका नाम था फिंजी मॉरिस, जो कि लगभग 35 साल का था, और उन्हें यहाँ एक इंग्लिश टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनके आने के बाद इस स्कूल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। कभी अचानक किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती थी, तो कभी कुछ बच्चों को खून की उल्टियां होने लगती थी। ऐसे हादसे इस स्कूल में कुछ महीनों तक लगातार होते रहे। उसके बाद इस स्कूल के प्रिंसिपल पॉल जोसेफ ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी को बुलाया, जो कि देहरादून से आई थी और इस स्कूल के बच्चों की जांच करना चाहती थी। लेकिन ये पूरी बात तब सामने आई जब उस जांच कमेटी का एक अफसर, जिसकी इस स्कूल में ही मृत्यु हो गई, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद तो स्कूल में हड़कंप मच गया। वहां की लोकल गवर्नमेंट ने आनन फानन में इस स्कूल को कुछ दिनों तक बंद कर देने का फैसला किया और बच्चों को छुट्टी दे दी गई। जब यह पूरा सिलसिला चल रहा था, उसी दौरान पॉल जोसेफ, जो यहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने फिंजी मॉरिस को रंगे हाथ पकड़ लिया काला जादू करते हुए। वो ऐसी रहस्यमय विद्याओं में बहुत बिलीव करने वाले इंसानों में था। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शैतान की पूजा करने वालों इंसानों में था। पॉल जोसेफ ने उसी वक्त उसे स्कूल से निकाल दिया। ना ही सिर्फ उसे यहां से निकाला गया, बल्कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसने उसे पूरे मसूरी के आसपास ना भटकने की सलाह दे डाली। अब जिस दिन ये सब हुआ, तो उसके अगले ही दिन पॉल जोसेफ साहब की लाश स्कूल के बीचों बीच पड़ी मिली, और कोई नहीं जानता कि कैसे। लोकल लोग और यहाँ की जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने तुरंत फिंजी पे इल्ज़ाम लगा डाला और उसे ढूंढने को कहा गया। ऐसा कहते हैं कि उस वक्त फिंजी मॉरिस ब्रिटिश पुलिस के हाथ में आया और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। फिंजी मॉरिस की फांसी के बाद और पॉल जोसेफ के मरने के बाद स्कूल को चलाने वाला कोई नहीं बचा। और उस वक्त ये बात इतनी बड़ी हो गई थी कि इस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन करीब एक साल तक ये स्कूल बंद रहने के बाद 1936 में दोबारा शुरू हुआ। और जब ये स्कूल शुरू हुआ दोबारा से, तब से यहाँ अजीबोगरीब हॉन्टिंग होनी शुरू हो गई। कभी किसी को कोई परछाई दिखती थी, तो कभी किसी के साथ कुछ और होता था। कभी कुछ अजीब सी आवाजें बच्चों को डराती थी, तो कभी कुछ बच्चे अक्सर क्लास में बैठे बैठे अपने आगे उन्हें कोई चलता हुआ देख रहा था। ऐसा कहा करते थे, बताया है लोगों ने। ऐसे ही कुछ और घटनाएं टीचर्स के साथ भी होने लगी। अब सवाल ये था कि क्या वो स्कूल सच में हॉन्टेड है? अब ये बात बताने के लिए आज के टाइम पे तो कोई नहीं मिलेगा। इस बिल्डिंग के आसपास भी कोई नहीं रहता, और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने गाड़ियों के अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनी। और तभी कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज़ आई, और उस वक्त वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह देखने और समझने का बहुत शौक है। मुझे इन पे आर्टिकल्स लिखने का बहुत शौक है। हम दोनों स्कूल के ग्राउंड फ्लोर तक अंदर एंट्री करते हैं। मैं वहाँ देखने और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो जो आवाज़ थी, जैसे मानो किसी बच्चे के चीखने की आवाज़। हमने बाहर जाके देखा, अंदर देखा, पर वो आवाज़ कहाँ से थी कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता।
तो मेरे दोस्त ने कहा कि हो ना हो ये आवाज इसी स्कूल के अंदर से आई थी। मैं उस बिल्डिंग को ध्यान से देख रहा हूं। दीवारें टूटी फूटी हैं, लकड़ियां बिखरी हुई हैं, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा पड़ा है। दीवारों पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, बेंचेस टूटे फूटे हुए हैं, कुछ जली हुई लकड़ियां भी नजर आ रही हैं। मैंने सोचा कि अब स्कूल के पहले फ्लोर पर जाके देखते हैं, और तभी अचानक से कोई आवाज आई। ऐसा लगा मानो किसी ने कोई दरवाजा खोला हो, और मुझे लगा वो आवाज मेरे ऊपर से आई थी, जहां पे हम खड़े थे हमारे ऊपर से आई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे, और जैसा ग्राउंड फ्लोर था ये भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि हम जितना भी अभी देख पा रहे थे, हमें कोई भी दरवाजा नहीं दिखा। वहां पे सारे टूटे हुए थे, कई कमरों के तो दरवाजे थे भी नहीं। इस वक्त यहां ठंड बहुत है, बिल्डिंग में कमरे बहुत सारे हैं, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, लेकिन कुछ है जो यहां बड़ा अजीब सा है। अब ऐसी किसी जगह पर जब आप जाते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन यहां मुझे डर नहीं लग रहा था। यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल मन में आ रहे थे। ख्याल ऐसे मैं आपको बताऊं तो कि तू यहां पे क्या कर रहा है, तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तू मर जाएगा एक दिन, ये सब छोड़ दे। मेरा दोस्त और मैं, हम बड़बड़ाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, और हमें खुद नहीं पता था कि यहां पे क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे ख्याल मन में आ रहे थे। कई बार तो ऐसे ख्याल मन में आया कि हमें यहां से कूद जाना चाहिए, ये सब करने में कुछ नहीं रखा। उस वक्त जिंदगी के सारे अच्छे बुरे काम एकदम से याद आ रहे थे। हम दोनों साथ में पहले भी कई जगह गए हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ ये सब पहली बार हो रहा है। हमें भी नहीं पता कि ऐसे में खुद को कैसे संभालें। इस जगह पर आकर दिमाग में एक नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। हम दोनों बस एक दूसरे को संभालते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, और खुद को यही समझा रहे थे कि बस थोड़ा और। हम दोनों अब करते करते ऊपर के फ्लोर तक आ गए थे। अभी नीचे जो हमने जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी फील करी थी, जो हमें फील हुई थी, वो हमारे दिमाग पर अब एक तरह से काबू कर चुकी थी। हमारा खुद पर काबू नहीं था। अब हम उस स्कूल की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आ चुके थे, और इस फ्लोर पर भी कुल मिलाकर 8 कमरे हैं, बाकी एक बहुत बड़ा सा हॉल है। ठीक फर्स्ट फ्लोर की तरह सेकंड फ्लोर पर भी कोई दरवाजा नहीं है। यहां हर कमरे की दीवार पर मॉरिस लिखा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि यह पूरा स्कूल मॉरिस की आत्मा के कब्जे में है, जो कभी इस स्कूल में एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे। कुछ आवाजें इस दौरान हम सुनते आ रहे थे लगातार। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहां सारे कमरों के दरवाजे टूट चुके हैं, लेकिन यहां एक कमरा ऐसा है जिसका दरवाजा अभी बाकी है। हमने उसे खोल के देखा, यह कमरा छोटा था, और यहां भी हर दीवार पर मॉरिस 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 लिखा हुआ है। और ये सब उस वक्त का लिखा तो हो नहीं सकता, किसी ने बाद में लिखा होगा। शायद कुछ लोग यहां पे शराब वगैरह पीने आते होंगे, शायद उन्होंने लिखा हो। उस कमरे में हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरे दोस्त ने कहा कि इस कमरे से बाहर निकलते हैं यार, दम घुट रहा है। ये सब करते करते सुबह के तकरीबन 3:30 बज चुके थे, और 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि इस टाइम पर शैतानी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम रह जाती है। उसके साइंटिफिक रीजन भी है कुछ, और इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी यहाँ पे। ये जगह आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर देती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये जगह ही आपका घर है, आप यहां से बाहर नहीं जाना चाहते। कई बार आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा घटिया जगह आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी, और आपको तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। अक्सर ऐसी जगहों पर ऐसा ही होता है, नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। मैं वहां कुछ ना कुछ देख रहा था कि इतने में मेरी नजर
मेरे दोस्त पर गई, जो कुछ बड़बड़ाते हुए खिड़की की तरफ जा रहा था। मैंने उसके मुंह पर टॉर्च से रोशनी मारी तो उसकी आंखें बस खुली हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर थी और मैंने जल्दी से जाके उसे हिलाया, उसे रोका। तब वो होश में आते ही बोला, अब हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए भाई, नहीं तो शायद हम यहां से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। मैंने उसकी बात मानते हुए वहां से निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि मेरा भी दम घुट रहा था वहां। जब हम वहां से बाहर आए तो लगभग सुबह हो चुकी थी। हमने गाड़ी से पानी निकाला और कुछ छींटे अपने मुंह पे मारी। ठंड बहुत ज्यादा थी वहां पे। ऐसी कई जगह होती हैं जहां जाकर लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वहां नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो आपके दिमाग पर हावी हो जाती है कि आप खुद पर कंट्रोल खो बैठते हैं। कई बार तो हमें भी यहां पे ये ख्याल आने लगा था कि खुदकुशी कर लेते हैं, तभी शायद यहां पे कोई नहीं आता। यहां की नेगेटिव एनर्जी जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कि वाकई में मॉरिस की जो शैतानी आत्मा है वो यही है। हो सकता है कि हमारे आसपास ही हो, हमारे आगे पीछे कहीं भी हो सकती है। हम उसे देख नहीं पा रहे, उसके बारे में बता नहीं पा रहे। और एक बात, अगर यहां कोई आत्मा है भी तो वो आप पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रही, वो आपके दिमाग से खेल रही है ताकि आप खुद को खुद ही खत्म कर दो। और जैसा कि मैंने बताया, यहां कोई भी नहीं आता। तो अगर आप इस जगह के आसपास से निकल रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं यहां से आसपास से गुजरने को मना ही करूंगा, क्योंकि अगर एक बार यहां फंस गए और उस ताकत ने आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू किया तो यह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखिए।